50 टी बहुत ही जरूरी हेल्थ टिप्स टिके समय काढ़ी शुणी नियंतु ना जीवन रे बहु समय रे काम रे आसीबो। औषध खाई सारिबा परे अंगूर खाइले आपनकर मृत्यु होई पारे तेणु करी औषध खाइबा परे परे अंगूर केबे भी खाइबे नाही ए कथा टिके मने रखिबे। गोटे सिगरेट आपणक जीवन 11 मिनिट कम करदे भाभी पारुछंती तो आज ही सिगरेट पीवा छाड़ी दिंतु। अधिक टेंशन नेले आपणकर रक्त मोटा हो जाए जो थीरे रक्त जमाट बांधिवार लगी थाए और यही कारण पाई अधिक टेंशन हेले हार्ट आटाक होइथाय। तेणुक टेंशन फ्री रुहंतु खुशी रुहंतु आउ भलरे रुहंतु। सकाळे खाली पेटरे चा पीबा कथा नुहे कारण एथिरे कैफिन थिबारु ब्रेन पावर कम हो जाए और गैस एसीडिटी परी हबार आशंका भी रही थाए। सकाळु केबे भी खाली पेटरे चा पियंतु नाही किछि नहले खाली पानी गोटे ग्लास बा दुई ग्लास भी पी दियंतु। कौन आपण जानिछंति कि गोटे ग्लास उषुम पानी एत्ते भल काम करिथाय शरीरर 70 भाग जंत्रणा खत्म हो जाए। उषुम पानी पेन क्लियर थारु भी बेसी भल काम करिथाय। आलुमिनियम बासन प्रयोग करंतु नाही एहा प्रयोग कले भोजनर पोषक तत्व नष्ट हो जाए। चेष्टा करंतु लुहा बा माटी बासन रे रोसेई करिबा पई माटी बासन सबुठ भल होइथाय। शरबत एवं पैड़ पानी सकाळ 11टा पूर्वर पीले देह पई अमृत समान होइथाय। 11टा परे एहार सेवनरु निवृत रुहंतु। जोर बुलुथिबा पंखा एवं एसी तळे सोइले मोटापा बढ़िथाय। ठिया ठिया होई पानी पीबा लोकंकु आंठू गंठी रोग होइथाय। आंठु रोग को ए दुनिया रे को डाक्टर भी ठीक करि परबे नाही। पानी सर्वदा बसिकी धीरे धीरे करिकी पियंतु। कुकर रे खाद्य प्रस्तुत करिबा कथा नुहे। कुकर रो खाद्य खाइले गैस एवं एसिडिटी होइथाय। खाद्य सर्वदा खुला पात्र रे बनांतु। कहा सहित कौन खाइबा कथा नुहे। खीर सहित दही एका सांगरे खांतु नाही माने खीर दही की मिसे की खाइबेनि कि संगे संगे खाइबे नाही। खीर सहित कमला जूस पियंतु नाही। माछ सहित दही खांतु नाही। तरबूज खाई सारी पानी पियंतु नाही। कमला ओ कदळी एका सहित खांतु नाही। दही सहित कदळी खांतु नाही। खीर सहित मूला खांतु नाही। दही खाई सारिबा परे खीर पियंतु नाही। जेऊ स्त्री लोक प्रतिदिन राति रे सोइबा समय रे खीर सहित मऊ मिसेकी पी थांती सेमानंक स्किन बहुत ही भल रहिथाय। चेहरा रे कुंचन पड़ि नथाय। खीर रे मोहु मिसेकी पीले नजर बहुत जोर रे बढ़िथाय। मेथी दाना खाइले छाती जंत्रणा एवं कफ हेबा बेमारी मध्य दूर होइथाय। राति रे चाहिबे तो गोटे ग्लास पानी रे गोटे चामच मेथी की भिजाई नियंतु आउ सकाळु ताको पी दियंतु आउ चोबेकी खाई दियंतु बहु सारा रोगर बची पारिबे। अदा पानी पीले शरीर रे जमा होइथिबा रक्त चालिबाकु लागिथाय। अदा कु छेची दियंतु ताको पानी रे मिसेई दियंतु बाता रस को मिसेकी पी दियंतु। शरीर को सुस्थ और सुंदर रखा चाहूंट तो प्रतिदिन खोला पवन रे लंबा लंबा निश्वास नियंतु एवं किछि समय पादरे चालंतु। सकाळ जलखियारे गहम दलिया खांतु। सुगर समस्या खत्म हो जिबा सहित आम स्वास्थ्य पै बहुत ही उपकारी होइथाय। मूला पत्र चुबाइले पेटरे थिबा सबु कीट मरि जाइथांति। जदि चा पीबार अछि तो खाद्य खाई सारिबार 1 घंटा बा 2 घंटा गला परे खा पियंतु। केबे भी खाद्य खाई सारी तुरंत चा किंबा कॉफी रो सेवन करंतु नाही। एहा आम स्वास्थ्य पाई बहुत ही खराब प्रभाव पकाई थाए। जदि नाकरे पोक पसि जाए तो आंगुठी साहाज्य रे गुलाब जल नेकी नाकरे पकाई दियंतु। पोक बाहरी आसीबो। मुंड जंत्रणा हेले कि मुंड बुलेइले तुरंत धळा जीरा पाटी रे पकाई दियंतु। जंत्रणा जेमिति हेउना खत्म होई जिवो।
जदि आपणको चुटीरु झाळ बाहरु थाए एवं दुर्गंध भी आसु थाए ताहेले जेतोळे आपण शैम्पू करुछंती सेई शैम्पू रे टिके चीनी मिसेई देबे एवं चाहिबे तो लेंबू फाळे मध्ये अत्र चिपुड़ देबे एवं अल्प टिके पानी मिसेई कि ताकु गोळेबे एवं सेथिरे शैम्पू करिबे आपणको चुटीरु देखिबे गंध आसिबोनी कि झाळ आउ बेसी बुहिबो नाही। प्रतिदिन खाद्य रे काकुड़ी जरूर खांतु, यह बहुत रोगरु बचे थाए। रुटी को क्षीर सहित बुड़े कि खाइले बहुत ही भल होता है एवं शरीर रु केते गुड़ाए रोग भल हो जाए थाए। जो लोक को कमजोरी समस्या रहुची से माने एक ग्लास क्षीर रे गोटे गुजराती दाना पकेबे एवं से ही क्षीर को फुटे कि पियंतु, कमजोरी दूर हो जिवो। सप्ताह को गोटे थर निंबो काड़ा पीले पेटर सब मैला सफा हो जाए थाए एवं चेहरे प्राकृतिक पद्धति रे निखार मध्य आसी थाए। पांच छोटी निंबो पत्र फुटे की पियंतु, बेसी पीवा दरकार नहीं। मझे मझे दुई तीन मास पूरा पूरी कम लुण दे कि खाद्य व्यवहार करूँ, देखिए आपण शरीर 90% बीमारी भल हो। लुण आम स्वास्थ्यपी बहुत ही खराब, सबुबे पिंक लुण खातु, धड़ा लुण मोटे भी खातु ना। कंचा रसुण खाइले रक्त गाढ़ा हो न थाए एवं शरीर रे ताजा रक्त तैयारी होता है। सबुदिन पांच छ कोला रसुण निहाती खातु। कंचा पनीर खाइले दिमाग तेज होता है। पनीर रु मिलता विटामिन बी आम मेमोरी को तेज बनई थाए, तेणुक सबुदिन अल्प अल्प पनीर खाइबा को चेष्टा करंतु। शोइबा समय रे पाद तले तकिया रखिकी शोइले आपणक शरीर कौन सी एक भाग रे भारी पड़ी न थाए एवं ओजन शरीर रे समान भाग रे बांटी हो जाए थाए, तेणुक शोइला बेले पादरे तकिया देके सुअंतु। पियाज रस रे लेंबू रस मिसेई पीले बांति आसीबा तुरंत बंद हो जाए थाए, मने रखि थांतु बहुत ही काम रे आसीबो। जदि कौन सी जगह खंडिया है कि रक्त बाहर थाए से ही जगह फिटिकिरी को पानी रे बुड़े कि से ही जगह घसिले रक्त बाहर बंद हो जाए थाए, ता सहित घा भी जल्दी सुखी जाए थाए। कखार मंजी बहुत रोगरु बचे थाए, जेमिती कि कैंसर हाई ब्लड प्रेशर आदि कंट्रोल करिथाय। एहार सेवन निहाती करंतु, आपणक त्वचा पई भी बहुत ही भल, आपणक चुटी पई भी बहुत ही भल। कखारु मंजी माने पंपकिन सीड्स। जदि आपण परिबा को ताजा रखिबा को चाहुछंती ताहेले पानी रे लेंबू रस मिसेई कि परिबा को सेही पानी रे धुअंतु, बहु दिन पर्यंत आपणक परिबा ताजा रहिबो। जदि आपणकर गैस पई मुंड बिंदा हेउथाय ताहले एक चामच रसुण रस पियंतु, एथिरे मुंड जंत्रणा दूर हो जाए थाए। रसुण रस रे चाहिबे तो अल्प मुहु मिसेकी मध्य चाटी चाटी खाइपारे एवं तापर पानी पी दियंतु। जदि आपणक आखि तले कला दाग होइथाय ताहले प्रतिदिन रातिर शोइबा समय रे घी कुआरी रस माने एलोवेरा जेल सेथिरे कंचा आलुर रस मिसेकी लगांतु, किछि दिन भितर देखिबे आपणक आखि तल कला समस्या दूर हो जिवो। अदा लवंग गुजराती और गोलमरीचर चा पीले थकापण दूर होइथाय, जेतेबेले आपणक थका लागुची ए सबुथिरे चा बनेकि पियंतु। हाथ हलदिया देखा जाए तो यह आयरन कमी पाई होइथाय, आपण कदळीर व्यवहार करंतु, कदळी को निज खाद्य रे शामिल करंतु। जदि आपण को बारंबार थंडा होइथाय ताहेले एक ग्लास क्षीर रे गोटे चुटकी हलदी गुंड पकई फुटांतु, एहाकु सबु दिन पियंतु। एमिति कले काश थंडा और थका आदि सब दूर हो जाइथाय। जेउ स्त्री लोक रातिरे सोइबा पूर्वरु पाद तले तेल मालिश करिथांती तांकु कोनोसी भी बड़ रोग छुई पारि नथाय। आखिर आलोक अधिक होइथाय एवं दिमाग तेज मध्य होइथाय। पुओ पिला माने मध्य लगाई पारिबे, जे कोनोसी तेल नडिया तेल हो सोरिष तेल हो राशि तेल हो किछि भी भलो से मसाज करिके सुअंतु। जेउ लोक सोइबा पूर्वरु मुंह धोइ नथाय से शीघ्र बुद्ध हो जाइथाय, कहीं रातिर शोवा समय मुह नोबा कारण
मुहरे शीघ्र कुंचन पड़ जाए जो चेहरा खराब हो जाए। शोवा पूर्व रात भलसे फेस को क्लीन करूँ सफा करूँ भलसे गोटे मॉइश्चराइजर लगातु एलोवेरा जेल का टे नड़िया तेल गला आलमंड ऑयल भलसे मसाज करूँ और शुंतु केबे भी ओलटा मुह करके शुंतु ना कारण एमती शोले सीधा हार्ट रे प्रभाव पड़ता है। खाद्य भलसे हजम भी हो न था मैंने पेटे की शुंतु ना बामपट कड़े शुंतु टे बेले बेले डाणपट कड़े शुंतु कि बेस समय पेटे शुंतु ना। प्रतिदिन राति शोवा पूर्व एक ग्लास पानी रे 10-12 किशमिश भिजाई दिंतु ता पर दिन सका उठिक खाली पेटर से ही पा पींतु एवं किशमिश को खातु। प्रतिदिन यह सेवन कले लिभर न्याचुराली भाव सफा रही था शरीर में एक्स्ट्रा फैट कमिबा को लगे रक्तर कमी भी हो न था ब्लड प्रेसर कंट्रोल रही था। पिता बादाम नजर को कमजोर कर दे था खाला बेले जदि बादाम पाटी को पिता लगे फिंगी दिंतु। गर्भवती महिला नाशपातीर सेवन अमृत सामान होता है। आयुर्वेद अनुसार जो व्यक्ति बसिक धीरे धीरे पानी पी थाए केबे भी पेट रोग किडनी रोग एवं हार्ट भली रोग हो न थाए ठिया होइकी केबे भी पानी पीबे ना सब बेले बसिक धीरे धीरे करके पीतु। कोल्ड ड्रिंक्स पी सारापर तुरंत किंवा पीवा पूर्वर च्युईंगम खाइबा कथा नुहे कारण यही दुईटी जिनस मिसीगले साइनाइट बनी थाए जहाँकि विष सामान होता है। जो पाइल समस्या होता है गुड़ सरबत करके पीतु यही समस्या दूर हो रात्रि समय रे चारोटी बादाम खाई शोले चेहरार स्किन चमक आसी थाए एवं चेहरा सफा मध्य होता है। आंठूगंठी जंत्रणारु रोकिबापाई निंब पत्रर तेल मालिस करंतु। दांत जंत्रणा जदि आरंभ हो जाए ताहेले दांतरे लवंग रखि दियंतु बहुत ही फायदा मिलिबो बा लवंगर तेल मध्य व्यवहार करिपारिबे। वीडियो को शेष पर्यंत देखिथिबारु आपण मानंकु बहुत बहुत धन्यवाद।